हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में हमने क्या सीखना है, व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या, और व्हाट का यूज हम कहाँ करते हैं। जैसे कुछ दिया गया है आपके सामने है, आप उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम व्हाट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर, यहाँ देखिए, एलिफेंट है, बाइबल है, ये होली बुक बाइबल, जोकर, ट्रेन, इंजन। हाँ, आप ये सारे पिक्चर दिए गए हैं, इन पिक्चर के बारे में आपको अगर पूछना है तो इसको हम किस तरीके से पूछेंगे, व्हाट का यूज करेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको पूछना है, आपको प्रश्न पूछना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर, व्हाट इज दिस। ठीक है, अब ये पूछा गया ना, प्रश्न पूछा गया, व्हाट इज दिस, यह क्या है। इसका आंसर होगा, दिस इज एन एलिफेंट, यह हाथी, यह एक हाथी है। व्हाट इज दिस, यह क्या है। अब ये देख रहे हैं, ये क्या है, बाइबल है ना, तो इसको कैसे आंसर देंगे, दिस इज द बाइबल, यह बाइबल है। बाइबल एक क्रिश्चियन का धर्म ग्रंथ होता है, होली बुक होता है। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज दिस, यह क्या है, ये आप देख रहे हो, ये जोकर है ना, तो इसका आंसर आप दोगे, दिस इज ए क्लोन, यह क्या है, यह एक क्लोन है। व्हाट इज दिस, यह क्या है, यह देख रहे हो पिक्चर किस चीज का है, इंजन है ना, तो दिस इज एन इंजन, यह एक इंजन है। अब यहां पर लास्ट में दिखाया गया, देखो, व्हाट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, व्हाट का हम यूज कहां करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए। अब यहां पर आइए देखिए, यहां पर फिल व्हाट, यहाँ पर दिया गया है जो सेंटेंस, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, जो खाली जगह है उसको आपको व्हाट फिल करके भरना है। ठीक है, व्हाट भरना है उसमें, व्हाट इज दिस, दिस इज अ बॉल, यहाँ फॉर एग्जांपल। हाँ, अब यहाँ देखिए, ये ऑरेंज है ना, इज दिस, यहाँ पर होगा व्हाट, व्हाट इज दिस, दिस इज एन ऑरेंज। अब देखिए, दिस इज द ताजमहल ना, ये ताजमहल है। अब यहाँ पर प्रश्न आपको पूछना है, तो यहाँ पर मिसिंग है व्हाट, यहाँ डालोगे व्हाट इज दिस, दिस इज द ताजमहल, यह ताजमहल है। व्हाट इज दिस, यह क्या है, दिस इज ए कैमल, यह एक ऊंट है। व्हाट इज दैट, वह क्या है, दैट इज द स्काई, ये देखो ये स्काई है ना, दैट इज द स्काई। अब ये देखिए, आयरन रखा है ना, व्हाट इज दिस, दिस इज एन आयरन। व्हाट इज दिस, दिस इज ए बुक। अब यहाँ भी देखो, क्वेश्चन पूछने की जो जगह है वो खाली है ना, तो व्हाट इज दिस, दिस इज एन एक्स। हाँ, व्हाट इज दैट, वह क्या है, दैट इज द मून। ओके बेटा, अब इस वीडियो को देखकर आप व्हाट का यूज कैसे करते हैं, किस लिए किया जाता है, इसके बारे में जानोगे और इस पेज को फील करोगे जब आपको वो ये होमवर्क में दिया जाएगा। ओके,